नए साल के पहले ही दिन महिला के साथ जोर जबरदस्ती की वजह से हुआ हादसा जी हाँ घटना शुक्रवार 1 जनवरी को सुबह दस बजकर चालीस मिनट में हुआ जब महिला वडाला से एक ट्रेन में सवार हुई और पनवेल में अपने मंगीतन से मिलने जा रही थी जैसे ही ट्रेन शुरू हुई 30 साल की राजीव पांडे जो कि बगल की हैंडी कंपार्टमेंट में था लड़की को अकेला देख लेडीज कोच में प्रवेश करता है पांडे ने उस लड़की को पकड़ लिया और उस लड़की से यौन एहसान की मांग की लड़की के विरोध करने पर उस ने उस लड़की को बदनाम किया और घसीटते हुए वडाला और जीडीपी नगर के बीच चलती ट्रेन से धक्का दे दिया लड़की को गिरते देख गैंगमैन ने उसी समय जीआरपी कर्मचारियों के द्वारा उसे सायन अस्पताल में लेके गए लड़की के बाहे फ्रैक्चर हो गई है और उसके चेहरे पर चोट के भी निशान मिले पंडित तीस साल का कोपर खेरने में रहने वाला एक बार में काम करता है उसके खिलाफ ड्रग्स और चोरी के भी मामले दर्ज हुए थे स्थानीय अपराध शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक एच डी ने इस घटना पर कहा मामला दर्ज होने के बाद हमने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी का पता लगाया और उसे कोपर खेल रेलवे स्टेशन पर उतरते हुए पाया हमने उसे सोमवार दोपहर को पकड़ा और सत्यापन के बाद उसे आगे की जाँच के लिए वडाला जी को सौंप दिया